गुजरात में अवैध तरीके से शराब परोसने के लिए शराब माफिया नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। ताजा मामला पेटलावट में सामने आया है, जिसमें ईंटों के नीचे शराब छुपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी। शराब माफिया अपने इरादे में कामयाब भी हो जाते, लेकिन ट्रक में आई खराबी ने अवैध शराब परिवहन का खुलासा कर दिया। दरअसल पेटलावट में एक ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गया था, जिसमें ईंटें भरी हुई थी। बीच रास्ते में खड़े खराब हुए ट्रक को स्थानीय रहवासियों ने धकेलकर एक तरफ कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मौके पर पहुंची आबकारी की टीम ने ट्रक की जांच की तो उसमें ईंटों के नीचे दबी महंगी 101 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग का कहना है कि मुखबिर द्वारा ट्रक की सूचना दी गई थी, जिसे गश्त के दौरान तलाश ही रहे थे। अमले ने अवैध शराब परिवहन के आरोप में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ट्रक में खराबी नहीं आई होती तो क्या पेटलावत का अमला गुजरात को परोसी जा रही यह लाखों की शराब पकड़ पाती? झकना ओदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। तो कहां से गाड़ी? ये धार की तरफ से गाड़ी आ रही थी, हम दौरान गश्त थे, मुखबिर की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर हमने वाहन को रोका और उसमें ईंटें लदी हुई थी। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें हमें 101 पेटी मिली, विदेशी शराब 101 पेटी मिली है। और किस तरह से ले जाई जा रही थी? ये कवरिंग करके ले जा रहे थे ईंटों के बीच में, और मौके से हमने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक को जब्त करके रखा गया है और प्रकरण की विवेचना जारी है। सर कहाँ ले जाए जा रही थी? ये गुजरात की तरफ ले जा रहे थे। कौन कौन सी ब्रांड की शराब? इसमें ब्लेंडर है, बीपी है, एमडी है। लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की शराब है और 20 लाख रुपये मूल्य का ट्रक है, तो 30 लाख रुपये लगभग की शराब जो ट्रक जो है।